नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है। वो आज विषय उस विषय को हमने चुना है जो चूँकि पीजीटी लगभग 6 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो पीजीटी के ही टॉपिक ले रहे हैं। और चूँकि उसके बाद जीआईसी लगा है तो इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसके अलावा एलटी और जीआई उसके जी एलटी और टीजीटी भी महत्वपूर्ण है, मगर इनका जो यहाँ से अगर देखेंगे तो इन दोनों के लिए यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो चूँकि इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं और टीजीटी के एग्ज़ाम हो चुके हैं तो अभी हम लोग पीजीटी को टारगेट कर रहे हैं, तो उसी के बेस पर चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आज का जो वीडियो है वो 100% आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यदि आप पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप इसके अलावा जीआईसी का एग्ज़ाम देने की तैयारी बना रहे हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चन आपके आने चाहिए। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे और उसके अलावा कुछ डाटा आपको दिखा दें। डाटा आपको ये बताना है कि आप ऑब्जेक्शन आज और कल ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आज और कल आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जो 2016 का एग्ज़ाम है उसके लिए आप क्वेश्चन के प्रति ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन किस क्वेश्चन पे लगाना है तो हमारे पास चूँकि जो हमें भेजा गया है वो ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एंजियोस्पर्म विकसित हुए, ये दिया है एंजियोस्पर्म वर डेवलप्ड। तो ऑप्शन जो आयोग ने दिया है वो सी दिया है, सीनोजोइक को। किसको दिया है? सीनोजोइक को दिया है, ध्यान रखिए सीनोजोइक को दिया है, जबकि इसका आंसर बी सही है, मीजोजोइक। क्या सही है? मीजोजोइक। चलिए हम इसका प्रमाण भी आपको दिखा दें, क्योंकि मैं कभी भी प्रमाण के बिना बात करना पसंद नहीं करता। तो आपके सामने ये प्रमाण है और ये सिंह पांडे जैन की बुक का पेज नंबर वाइज टेरिडोफाइट में जब आप जाएंगे तो ये देखेगा साफ साफ मीजोजोइक में ये लिखा हुआ है। और ये लिखा है कि डोमिनेंस एंजियोस्पर्म थे इस समय, कब? मीजोजोइक के क्रिटेशियस पीरियड में। क्या थे? डोमिनेंस थे। इसके अलावा डेवलप्ड साइकेट्स, कोनीफर्स एंड एंजियोस्पर्म। इस समय जो डेवलपमेंट हो रहा था वो साइकेट्स का भी हुआ, कोनीफर्स और एंजियोस्पर्म का भी डेवलपमेंट हो रहा था लोअर क्रिटेशियस में। तो मीजोजोइक 100% सही है। और जो यहाँ बात करेंगे सीनोजोइक में जो डेवलपमेंट शब्द यूज़ किया है वो सीनोजोइक बिल्कुल नहीं सही है, वो मीजोजोइक सही है। प्रमाण आपके सामने है और ये आप हमारा जो एक फ्री में अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहें तो ये हम कॉपी उपलब्ध करा देंगे। हमारा एक डॉक्टर नोट्स बॉटनी स्पेशल, ये नॉन पेड बिना मेंबर, जो हमारे मेंबर नहीं है उनके लिए है, मगर ये निष्क्रिय ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम का निष्क्रिय ग्रुप है, हम वहाँ डाल देंगे। तो ये आप डाटा लेकर चैलेंज कर सकते हैं। और सिंह पांडे जैन का ये है मैटर। दूसरा एक क्वेश्चन फंसा हुआ है, दूसरा एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ए सीरीज़ का, उसने 34 देखेगा ए का, उसमें दिया है स्पर्म टेल बनी किसकी होती है, स्पर्म टेल किसकी बनी होती है। तो एक्चुअली में इसका ऑप्शन ए सही है, माइक्रोटिब्यूल्स की। किसकी? माइक्रोटिब्यूल्स की बनी होती है या माइक्रोटिब्यूल से बनती है, मगर इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है डी सेंट्रियोल। क्या दिया हुआ है? सेंट्रियोल, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इसका आपको ऑप्शन एनसीईआरटी में दिखा रहे हैं, आप इसको क्वेश्चन नंबर 34 को आप चूँकि ए बी सी डी में हम क्वेश्चन बता दिए स्पर्म टेल किससे बनी होती है, तो सेंट्रियोल दिया गया, मगर सही आंसर माइक्रोटिब्यूल्स है। इसका हम आपको डाटा पुनः दिखाई दे, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ टेल लिखा है द सेवरल लॉन्गर देन द हेड द मोस्ट कॉल द मेन पीसेस द एक्सियल फिलामेंट इज सराउंडेड बाय द थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म द बिहाइंड द मेन पीस कॉल द इंड पीस द कंसिस्ट नेकेड फिलामेंट एलॉन, जो कि माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं। द स्पर्म स्विम्स अबाउट द टेल्स इन ए फ्लूइड मीडियम। तो यहाँ जो नेकेड फिलामेंट्स होते हैं आप नेट पे देखेंगे तो इन नेकेड फिलामेंट्स को माइक्रोटिब्यूल्स के नाम से जानते हैं, यही फिलामेंट्स माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं। यहाँ सेंट्रियोल शब्द कहीं आया ही नहीं है, ये सब जो है मिडिल पीस से ही संबंधित हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ भी आप चैलेंज कर सकते हैं इसको। और ये जो है ये ट्रूमेंस जो सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, जो बुक का नाम क्या है तो बुक का नाम है ट्रूमेंस, और इसके जो लेखक हैं वो भाटिया और के एन भाटिया और त्यागी हैं।
ट्रूमेंस एलिमेंट्री बायोलॉजी के नाम से एनसीईआरटी की बुक है और बहुत इतनी अथेंटिक है, इसे कोड में भी चैलेंज किया जा सकता है, उसका मैटर है ये, इसको भी हम डाल देंगे, आप चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन पे आप आपत्ति कर सकते हैं। और एक नया जो क्वेश्चन पे आपत्ति आप करेंगे वो है एंट अमीबा, संरचना के अनुसार एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कितने पृथक रूपों में मिलता है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म, कितने रूपों में मिलता है, तो ये क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है ये आप चैलेंज करने का हम आपको बता रहे हैं। उसने पूछा है कि जो अमीबा है, अमोइबा, कितने फॉर्म्स में पाया जाता है, ये मतलब है। तो इन्होंने जो ऑप्शन सही किया है तीन फॉर्म्स, तीन सही किए हैं जो कि गलत है, ये टू फॉर्म्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, टू फॉर्म्स में पाया जाता है, यानी ऑप्शन इसका ए सही है। इसका भी आप प्रूफ ले लीजिए, आप इसका प्रूफ अगर लेंगे तो यहाँ दिया हुआ है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ एंट अमीबा, एंट अमीबा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दिया है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दिया हुआ है, अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसमें कितने फॉर्म्स होते हैं, तो अभी हमने आपको बताए थे इसके फॉर्म्स, ये तो इसके कितने फॉर्म्स हैं ये दिया है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यहाँ से आएंगे ले लेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज टू फॉर्म्स, कितने रूप हैं, दो फॉर्म्स, मैग्ना जो ट्रोफोजॉइट्स होता है, पैथोजेनिक फाउंड्स होता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में पाया जाता है, और फॉर्मिंग द अल्सर्स, एंड माइन्यूटा जो होता है नॉन पैथोजेनिक फॉर्म होता है जो ल्यूमिन पे पाया जाता है, मैग्ना जो ट्रोफोजॉइट फॉर्म्स होता है वो पैथोजेनिक होता है, और जो माइन्यूटा होता है तो दो रूपों में पाया जाता है। ये भी ट्रूमेंस की बुक है जो कि हमने आपको बताया बहुत अथेंटिक है, और ये के एन भाटिया और एम पी त्यागी की बुक है, और एलिमेंट्री बायोलॉजी के नाम से एन सी आर टी की बुक आती है, तो ये आप यहाँ चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक आप जो 2021 की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा हम बात करते हैं 2021 में, क्वेश्चन नंबर जो है ये जो हमें सीरीज़ भेजी गई है वो बी सीरीज़ है, और यहाँ बी सीरीज़ में 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 2021 की बात कर रहे हैं, वो जो तीन क्वेश्चन हमने बताए थे वो 2016 में आप कर सकते हैं, और उसका हम डाटा आपको वहाँ भेज देंगे अभी थोड़ी देर में, तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। और जो यहाँ 2021 में क्वेश्चन बना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मैमेलियन नेफ्रॉन इज़ द फाउंड इन रीनल मेड्यूला, मेड्यूला में क्या पाया जाता है, तो आयोग ने जो सही किया है वो किया है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल को, यानी ऑप्शन बी को सही किया है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स को, जबकि सही है लूप ऑफ हेनले, वो लिखा है इट्स मेजर पार्ट लाइज इन द मेड्यूला, सबसे जो ज़्यादा पार्ट्स होता है मेड्यूला का वो मेड्यूला में जो सबसे ज़्यादा पार्ट्स होता है लूप ऑफ हेनले का पाई जाता है, तो ऑप्शन उसका जो सही माना जाएगा वो डी माना जाएगा, और ये हम आपको ये सेम ट्रूमैंस का है, एनसीईआरटी का है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और चैलेंज किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 13, नेरिस के रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो ये डोर्सल ब्लड वेसल्स के द्वारा भी किया जाता है और वेंट्रल वेसल्स के द्वारा किया जाता है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, कोटपाल त्यागी में ये देख सकते हैं आप नेरिस में, तो यहाँ दो क्वेश्चन आप 2021 में टारगेट कर सकते हैं, यहाँ जो है वो लगभग तीन क्वेश्चन आप टारगेट कर सकते हैं, तो हम इसका डाटा आपको उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप अटैच करके, ये कंप्रेस भी हमने कर दी है, तो आप अटैच करके इनको सेंड कर सकते हैं। चलिए हम अपने वीडियो पे आते हैं, चूँकि ये इसलिए था क्योंकि एक क्वेश्चन से लोगों की गणित बिगड़ेगी बनेगी, इसलिए अब हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। एक्नियस अटैच, जो एकिनोज होता है, एकिनोज अटैचेज टू द बॉडी ऑफ सार्क विद द हेल्प ऑफ इट्स डॉर्सल सकर्स, ये क्वेश्चन बनेगा कि जो एकिनोज होता है वो किस सकर से मछली में चिपकता है सार्क में, तो डॉर्सल सकर से, दिस इज एन एग्जाम्पल, आप ये किसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन उसने पूछा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये कॉमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल है, किसका है, कॉमेंसेलिज्म, और कैसा है, कॉमेंसेलिज्म विदाउट कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट,
सतत संपर्क रहित सहभोजिता से संबंधित है और ये पीजीटी में क्वेश्चन बना है। अच्छा, हम कुछ डाटा भी इसका हम आपको देना चाहेंगे। और डाटा क्या है, कुछ एपी जोन्स होते हैं, एपी जोन्स ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कभी। एपी जोन्स, तो एपी जोन्स क्या होते हैं, दोज एनिमल विच डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स आर अदर एनिमल, कुछ जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे जो जंतु होते हैं उन पर या पौधों पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं या उन पर निर्भर रहते हैं, तो उनको एपी जोन्स के नाम से जानते हैं। इसमें आता क्या है तो देख लेते हैं। इसमें आता है सकर फिश किसे बोलते हैं, तो एकिनोस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एकिनोस को। ये क्वेश्चन बन जाएगा, एकिनोस को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं, इसको सकर फिश। ये किस में पाई जाती है, सार्क के ऊपर पाई जाती है। अभी यही इसी का एग्जांपल दे रहे थे। और पायलट फिश दूसरा आता है, पायलट फिश ये किस पर पायलट फिश पाई जाती है, ये भी सार्क पर पाई जाती है। सार्क तो आप सब जानते हैं, मैमल्स है और जल में पाई जाने वाली। ई कोलाई बैक्टीरिया ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन। ये क्या पहुँचते हैं, लाभ ही पहुँचाते हैं, हमें हानि नहीं, कॉमन सेलिज्म का काम करते हैं, अगर हमें लाभ नहीं पहुँचाते तो हानि भी नहीं पहुँचाते। दूसरा है क्लाउन फिश, ध्यान रखिएगा, दूसरा इसका नेक्स्ट है क्लाउन फिश। ये कोई डाटा नहीं देता है, क्लाउन फिश क्या करती है, ये क्लाउन फिश बोलते हैं। ये किस में पाई जाती है, तो सी एनीमोन में पाई जाती, क्लाउन फिश डिपेंड रहती है। और ब्रैंकेल्स व्हेल पे पाया जाता है, जो ब्रैंकेल्स जो है ये व्हेल्स पर पाया जाता है। तो ये कुछ डाटा आपको दिया गया है जो काफी महत्वपूर्ण है, इस डाटा को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इन प्रोवाइडेड टू, जो नेशनल पार्क होते हैं वो किसका प्रोटेक्शन करते हैं, फ्लोरा का मतलब होता है पौधों का, यानी जो वहाँ प्लांट पाए जाते हैं, और फना का मतलब होता है जो वहाँ जंतु पाए जाते हैं उनकी बात कर रहा है, या फिर कहता है बोथ फ्लोरा और फना, तो ऑप्शन सी सही कर देंगे, बोथ फ्लोरा और फना। क्योंकि नेशनल पार्क में जो किसी भी प्रकार का हम अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ फ्लोरा और फना दोनों को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको गलत मिलेगा। द अल्टीमेट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनी फूड चेन इज ऑक्यूपाइड, अल्टीमेट जो ट्रॉफिक लेवल होता है एनी फूड चेन इज अकर्ड बाय, तो आपकी जो बुक में दिया रहेगा वो कार्निवोरस दिया रहेगा, जो पूर्व परीक्षाओं के पेपर सॉल्व हैं, जबकि ये गलत है। इसका आंसर है डिकम्पोजर। क्या है, डिकम्पोजर। जो ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये पीजीटी और जीआईसी को टारगेट करके क्वेश्चन ये आपको दिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एलटी और टीजीटी के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉपिक इसीलिए थोड़ा टफ चुना है जिससे यहाँ से आने वाला क्वेश्चन गलत ना हो, और 19 का हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने 19 का मूल पेपर सॉल्व कराया था, तो आप सर्च कर सकते हैं पीजीटी बायोलॉजी 2019 सॉल्व क्वेश्चन पेपर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस जो चैप्टर है या इस टॉपिक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटिक पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, जो बायोटिक पोटेंशियल है उसका मतलब क्या होता है, तो आप लोग हमें बताएं कि जो बायोटिक पोटेंशियल होता है उसका मतलब क्या होता है। तो बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, तो बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी जीव में, ध्यान रखने का, किसी भी जीव में जो जनन करने की क्षमता होती है, क्या करने की, जनन करने की जो क्षमता होती है उसे हम बायोटिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल नया क्वेश्चन है और पीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है कि बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन दे रहा है, बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज एग्जिबिटेड बाय द,
जो बायोलॉजिकल एक्विलिब्रियम है वो किसके द्वारा एग्जिबिटेड होता है, तो सब हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। इनमें से अगर एक को हटा दिया जाए तो दूसरा अपने आप वहाँ से हट जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो ये इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है, तो एक दूसरे पर डिपेंड है सब। तो ऑप्शन डी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन विच द स्टेट ऑफ इंडिया इज द चंद्रप्रभा सेंचुरी सिचुएटेड। ये यूपी पीसीएस 2005 में बना है और पीजीटी बायोलॉजी 2009 में सेम क्वेश्चन बना है। तो ये चंद्रप्रभा कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में पाया जाता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के चंदौली में पाया जाता है। ये बनारस से लगभग 70 किलोमीटर दूर है चंद्रप्रभा। क्या है? चंद्रप्रभा। क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। द स्नो लीपर्ड इज फाउंड एट द अल्टीट्यूड अबाउट। कितने एल्टीट्यूड पर जो स्नो लेपर्ड होता है या तेंदुआ जो होता है, बर्फ में रहने वाला तेंदुआ, कितने एल्टीट्यूड पर पाया जाता है? तो ये 3500 के ऊपर लगभग पाया जाता है। तो कोई ऐसी संख्या तो दिया नहीं है, तो 2000 दिया है, तो ऑप्शन इसी को हम लगा देंगे। एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज। जो एनर्जी का फ्लो होता है, ध्यान रखिएगा, जो एनर्जी का फ्लो होता है यानी जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, हिंदी में बोलेंगे ऊर्जा का प्रवाह, तो देखिएगा ऊर्जा हरदम सीधे बहती है यानी यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल होती है, एक मतलब सीधी लाइन में बहती है। तो ये साइक्लिक दिया है तो ये भी गलत है। सेमी साइक्लिक नहीं, ये नॉन साइक्लिक है, यानी वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होती है या एक सीधे वे में बहती है। तो ऑप्शन इसका भी सही कर देंगे। जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो सीधे होता है। एन एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज द बेनिफिटेड वाइल द अदर नाइदर बेनिफिटेड और नॉट हार्म्ड इज कॉल्ड। देखिए इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। कुछ बिंदु आते हैं उनको देख लेते हैं जिससे आपका डाटा जो है वो क्लियर हो जाए और यहाँ से आने वाला क्वेश्चन गलत ना हो, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ एक पॉइंट बनता है, उसको देखते हैं। पॉइंट क्या बनता है कि जो पॉजिटिव बेनिफिशियल इंटरेक्शन होता है, पॉजिटिव बेनिफिशियल इंटरेक्शन जो होता है उसकी बात करते हैं। तो पहला आता है म्यूटेलिज्म। ध्यान रखने क्या आता है, म्यूटेलिज्म। म्यूटेलिज्म में दो होते हैं, एक होता है प्लस प्लस यानी दोनों लाभ ले रहे हो, इसी का दूसरा नाम पूछ देता है ऑब्लिगेट म्यूटेलिज्म। इसी को क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट म्यूटेलिज्म के नाम। ऑब्लिगेट का मतलब अविकल्पी, कोई विकल्प ही ना हो। अविकल्पी मतलब एक के बिना दूसरा कुछ काम ना कर पाए, यानी दो जीव ऐसे रहे हो या ऐसे बोल सकते हैं, दो मित्र ऐसे हों कि अगर एक को कुछ हो जाए तो दूसरे को भी वैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस वही वाला कंडीशन है कि मतलब दोनों एक के बिना, अगर एक मर जाएगा तो उसके साथ दूसरा भी मर जाएगा, मतलब वैसी वाली दोस्ती है। तो यहाँ ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होती है। इसी के कुछ और नाम है जैसे कि को एवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, को एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं या को एक्सटिंक्शन बोल सकते हैं। ये कुछ नाम दिए गए हैं और इसमें से एग्जांपल के लिए जैसे एनिमल और एनिमल के बीच की बात करें, दोनों एनिमल हो तो इनका एग्जाम्पल क्या है एनिमल और एनिमल में, तो इसका एक एनिमल में आता है टर्माइट्स। टर्माइट्स का मतलब समझते हैं, टर्माइट्स का मतलब दीमक, और दूसरे में आता है फ्लैजलेट्स या ट्राइकोनिम्फा। कहाँ लिख दिया, ये हाँ, ट्राइकोनिम्फा, ये दोनों आते हैं। तो टर्माइट्स क्या है, बिना ट्राइकोनिम्फा के काम नहीं कर सकता, और ट्राइकोनिम्फा बिना टर्माइट्स के काम नहीं करता, क्योंकि जो ट्राइकोनिम्फा है वो टर्माइट्स यानी दीमक की आंत में पाया जाता है, जो कि दीमक को सेल्यूलोस पचाने में मदद करता है। और चूंकि दीमक मुख्य रूप से सेल्यूलोस का ही भक्षण करता है, तो एक दूसरे पर दोनों निर्भर रहते हैं। अगर प्लांट और एनिमल के बीच की बात करें कि ऐसा प्लांट और एनिमल में, किस प्लांट और किस एनिमल में ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है यक्का, जो यक्का का प्लांट होता है, और एक प्रोनुबा, ध्यान रखिएगा प्रोनुबा नाम है इंसेक्ट, प्रोनुबा इंसेक्ट जो होती है इसकी मादा होती है, यक्का में पॉलिनेशन का कार्य
करती है, जिसे हम यक्का मौत के नाम से जानते हैं, फीमेल यक्का मौत के नाम से जानते हैं। बिना ये जो प्रोनुबा मौत है, ये बिना यक्का के जीवित नहीं रह सकता और यक्का बिना इसके अपना कार्य नहीं संपन्न कर सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इसी म्यूटेलिज्म का एक अच्छा सा उदाहरण अगर लेंगे तो लाइकेन है। लाइकेन में एल्गी बिना फंगस के जीवित नहीं रह सकती और फंगस बिना एल्गी के जीवित नहीं रह सकता। तो ये कुछ हैं। तो चूंकि यहाँ कॉमन सेलिज्म में क्वेश्चन शायद बना है, हाँ कॉमन सेलिज्म में बेन और मतलब एक जब बेनिफिटेड होता है और दूसरा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ऑप्शन बी है कॉमन सेलिज्म की बात करते हैं। और कॉमन सेलिज्म अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे कि इसका एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि लियनाज, ये क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बाहुनिया, बाहुनिया टीनोस्पोरा जो अभी कोरोना के समय बहुत दवा के रूप में यूज़ हुआ, अब मुझे इसका नाम नहीं आ रहा, सतावर नहीं, बड़ा अच्छा नाम है भाई इसका, गुरीची बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुरीची का मतलब होता है जो पेड़ों पे। तो ये क्या करता है, ये कॉमन सेलिज्म का काम करता है, मतलब इसकी जड़ें तो मिट्टी में होती हैं मगर दूसरे जीव का जो बड़े पौधे होते हैं उनको प्रकाश आदि के लिए उन पर चढ़ जाता है और उनका प्रयोग करता है। तो कॉमन सेलिज्म का अच्छा उदाहरण है। एपीफाइट की अगर बात करें तो इसी का अंतर है, एपीफाइट जैसे आर्किड आदि, तो ये चलिए बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडाइफिक फैक्टर्स रिलेटेड टू, एडाइफिक फैक्टर किससे संबंधित होता है, तो एडाइफिक फैक्टर सॉइल से संबंधित होता है या मिट्टी से संबंधित होता है, ध्यान रखना किससे संबंधित होता है, मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड फॉर द कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ एंड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचुरल इन नेचर इन इंडिया, तो वो कौन था, जिम कार्बेट नेशनल पार्क था, कौन था, जिम कार्बेट नेशनल पार्क था, कौन सा नेशनल पार्क था, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क था। अगर यहाँ नेशनल पार्क का कुछ डाटा हम आपको दे दें, नेशनल पार्क का डाटा क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, एन एरिया सैनिक ब्यूटी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑन द मेंटेन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट, जो राष्ट्रीय मतलब जो केंद्रीय सरकार होती है वो हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस के बेस्ड पर वहाँ के जीवों के आधार पर करती है। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया IUCN कैटेगरी सेकेंड, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, किसी को नहीं आता, वो पूछ देता नेशनल पार्क जो होते हैं उनको किस कैटेगरी के रखे गए थे, IUCN कैटेगरी सेकेंड के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया जाता है, ध्यान रखना। और 1972 में इनकेटेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत पूछते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना, तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना। प्रोजेक्ट टाइगर टू द सेफ गार्ड टू द हैबिटेट ऑफ द कंजर्वेशन रिटेन द स्पीसीज इंडियन द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश, ये भी क्वेश्चन बनता है, पहला नेशनल पार्क कब इस्टेब्लिश हुआ, 1936 में, उसका नाम क्या था, हेले नेशनल पार्क, और अब इसका नाम क्या रख दिया गया है, तो अब इसी का नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है। और ये कब रखा गया है, 1970, इंडिया ओनली हैव 5 नेशनल पार्क, भारत में 5 नेशनल पार्क हैं, हो सकता है संख्या बढ़ गई हो तो आप रिसेंट का देख लेंगे, तो कौन सा है, तो ये इसलिए डाटा दिया जा रहा, भूले ना क्वेश्चन वहाँ, तो वही है जो भी बताया था, कार्बेट नेशनल पार्क, और इसका नाम क्या था, तो इसका पहले नाम 1936 में इसका नाम था, वो नाम क्या हुआ करता था, तो वो उसका नाम था हेली नेशनल पार्क, क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क, पूछ सकता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पहला नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क था जो 1936 में इस्टेब्लिश किया, नाम बदला गया 1970 में जिम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच प्लांट कंस्टिट्यूट ए मेजर पार्ट ऑफ एंटार्कटिक इकोसिस्टम, एंटार्कटिक इकोसिस्टम में वो कौन सा इसमें से प्लांट्स है जो मेजर रूप से या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता, तो मॉसेज है, एक्चुअली में ग्रास भी एक ग्रास है जो पाई जाती है और लाइकेन भी कुछ आदि पाया जाता, मगर जो ज़्यादा मात्रा की बात करेंगे तो मॉसेज ही सबसे ज़्यादा एंटार्कटिक इकोसिस्टम में मॉसेज हमें देखने को मिलते हैं।
द साइंस विच लिंक्स, साइंस विच लिंक्स हेरिडिटी विद द इन्वायरमेंट, मतलब वो विज्ञान की वह शाखा जो जिसका आनुवंशिक की जो है वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो जीन इकोलॉजी के नाम से जानते हैं. किसके नाम जानते हैं? जीन इकोलॉजी के नाम से जानते हैं. ग्रेट मानस बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, जो मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पाया जाता है? तो आसाम में देखने को मिलता है. देख लेते हैं आसाम में कहाँ है ये, इसको हमने रखा था आपको देखने के लिए. हम इसलिए दिखाते हैं जिससे आप भूलें ना, क्योंकि जो चीज़ें देख लेंगे और आप पढ़ते तो बहुत हैं, मैं ये नहीं कहता आप नहीं पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, मगर चीज़ें एग्ज़ाम के समय सही हो जाएं बस वही महत्वपूर्ण है. तो ये मानस नेशनल पार्क है, और जो मानस नेशनल पार्क है ये कहाँ है? आसाम, ऑन द 8th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया, नोन एज रिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अबाउंडेंट ऑफ नेशनल सेटिंग्स. और फिर दिया है देयर आर 5 नेशनल पार्क एंड 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेशनल पार्क पूछ दे कितने पाए जा रहे हैं, तो 5 नेशनल पार्क हैं. नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 5 है. सेंचुरीज की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बन सकता है. जो सेंचुरीज की जो संख्या है वो कितनी दी है? 18 है. विथ सेवरल फॉरेस्ट रिजर्व, बहुत सारे फॉरेस्ट रिजर्व हैं. दीज वाज द जंगलीज द स्टेट ऑफ द अबाउट द सम ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लोरा एंड फना. तो ये ध्यान रखिएगा. और यहाँ क्या है, एक ये पॉइंट्स आपके लिए खास हमने रखा था. मानस नेशनल पार्क या जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन आसाम इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ये पॉइंट आप रखना. पूछेगा वो कौन सा नेशनल पार्क या जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जानी जाती है, तो वो कौन सी है? मानस. ध्यान रखिएगा, ये ऐसा डाटा है जो आपको या तो नहीं आता है और क्वेश्चन बनता है. ये जीके का भी क्वेश्चन है और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है. यहाँ टीजीटी से थोड़े अंतर में क्वेश्चन आते हैं. टीजीटी में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ थोड़े टफ घुमा के क्वेश्चन पूछता है. तो यूनेस्को वर्ल्ड लाइफ हेरिटेज में कौन सा आता है? मानस नेशनल पार्क आता है, और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व एज वेल एज बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये थोड़ा सा डाटा हमने आपको दे दिया है जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो. चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर. कह रहा मेन रीजंस फॉर द डिप्लीटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. जो वाइल्ड लाइफ है या जो जंगली जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं या उनका जो क्षरण हो रहा है वो किस कारण हो रहा है? तो उसका मुख्य कारण है कि नेचुरल जो हैबिटेट्स हैं उनका नष्ट होना. अब देखिए जंगल बचे ही कहाँ. जब आपका बचपन होगा, जो आपका बचपन होगा, तो देखिए इतने जामुन के पेड़, आम के पेड़, नीम के पेड़ और सहतूत और जो भी पेड़ हैं ढेर सारे आपके गांव के पास में खेतों में सब लगे हुए थे. अब आप बचपन में उन्हीं पेड़ों के नीचे बच्चों के साथ या अपने मित्रों के साथ खूब खेलते थे. अभी क्या है, कहीं पेड़ आपको देखने को मिल ही नहीं रहे, सब काट दिए गए. और आप क्या करते थे, पूरे दोपहर दोपहर आम तोड़ के खा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं, घर में पिटाई भी होती थी फिर भी करते थे. तो आप उस समय क्या थे, सब हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त थे. अभी क्या है, जो बच्चे हैं या तो बहुत दुबले हैं, जो नए बच्चे हैं यंगस्टर्स हैं वो या तो दुबले हैं या तो इतने मोटे हैं कि बेडौल हैं, क्योंकि बॉडी फिट नहीं है और कोई ना कोई व्याधि उनमें लगी रहती है क्योंकि उनको नेचुरल हैबिटाट से दूर कर दिया गया. हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हैबिटाट दिए, तो उसका नतीजा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एशियाटिक लाइन इज कन्फाइंड टू, जो लाइन का जब पूछे तो गिर नेशनल पार्क लगा देंगे. एशियाटिक लाइन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में देखने को हमें मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, जलमग्न जलोद्भिद में निम्नलिखित में से क्या रहता है? तो क्या रहता है, एयर स्पेसेस प्रायः पाए जाते हैं जिससे वो आराम से पानी में तैर सकें. तो आज के लिए इतना ही. और एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सब था और मुझे लगता है वो छूट गया हमसे, तो उसका डाटा जरा सुन लीजिएगा. क्वेश्चन छूट गया वो हमसे और बहुत ऐसा था कि मुझे लगता है कुछ ही लोगों को आता होगा. और हाँ छूट गया, तो हमने उसका डाटा लेके रखा था आपके लिए, तो वो डाटा देख लीजिए. क्वेश्चन उसे समझ में आएगा, बना था पीजीटी में, वो पता नहीं धोखे से छूट गया. जो
उसमें नेक्टॉन आंसर था, ध्यान रखिएगा, उसमें जो आंसर था नेक्टॉन था, नेक्टॉन, ये नेक जो नेक्टॉन था, ये वाला ये ऑप्शन था, इसका मतलब था स्विम। तो वहाँ कहा था रिफर्स टू द एक्टिवली स्विमिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ द वाटर, तो उसे क्या बोलते हैं, नेक्टॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेक्टॉन। यही सेम ये इतनी चीज़ दी हुई थी ये क्वेश्चन में, और ये पीजीटी में क्वेश्चन बना था, तो उसे नेक्टॉन बोलते हैं। स्विम रिफर्स टू द एक्टिवली स्विमिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ द वाटर, तो उसे नेक्टॉन बोलते हैं, चूँकि हम रखा था और वो कहीं मिस हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।